हो गया है वर्कआउट, चलिए अब कुछ अच्छा सा बनाते हैं। मैं आ गई हूँ किचन में एंड आई एम रेडी टू कुक। तो आज मैं बना रही हूँ हेल्दी सैंडविच और टोस्ट, कुछ भी बोल सकते हो आप लोग। उसके लिए मैं यहाँ पे लूँगी 2 बड़े चम्मच दही के, ये मैंने डाल दिया दही। दही को करेंगी थोड़ा देर विस्क। विस्क करने के बाद हम इसमें 2 चम्मच बेसन के डाल देंगे, ये मैंने डाल दिए 2 चम्मच बेसन के। इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी 1 स्पून ऑफ सूजी, एकदम थोड़ा सा, और इसको अच्छे से मिला देंगे। बैटर हो गया रेडी, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इसको थोड़ा थिक ही रखना है, बैटर का कंसिस्टेंसी थोड़ा थिक ही रहना चाहिए, मेक श्योर उसमें कोई लम्ब्स ना हो। अब जाएगा इसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी एंड थोड़ा सा लाल मिर्च एंड स्मॉल पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। ये सब हम इसमें डाल के इसको फिर से एक बार विस्क कर लेंगे। मैंने लिए यहाँ पे थोड़ी सी स्वीट कॉर्न। जब तक स्वीट कॉर्न थोड़े बॉईल होते हैं तब तक हम बनाते हैं हेल्दी वाली धनिया की चटनी। इसके लिए हम यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा कटा हुआ धनिया, उसमें थोड़ा सा गार्लिक एंड 3-4 हरी मिर्च डाल देंगे, एक छोटा सा टुकड़ा डाल देंगे अदरक का, और मैंने यहाँ पे 1 घंटे के लिए पीनट्स को सूख करके रखा था वो भी हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा जीरा, नमक एज पर योर टेस्ट, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। इसको कर लेते हैं हम लोग ग्राइंड। चटनी हो गई है रेडी एंड ट्रस्ट मी गाइस, दिस चटनी टेस्ट सो गुड। अब चटनी को हम निकाल के रख देते हैं साइड में, अभी प्रिपरेशन करते हैं सैंडविच का। तो कौन हो गए हैं बॉयल, अभी मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बचाने के चक्कर में मैं करने जा रही हूँ यहाँ पे देसी तुक्का। मैंने यहाँ पे इसको अच्छे से मैश कर लिया है, गैस कर लिया है ऑन, और मैंने रखा है यहाँ पे पैन। इसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच तेल डाला है और एकदम थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो डाला है, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जब थोड़ा एरोमा आने लगे तब इसमें डाल देंगे हम कॉर्न। इसको हम हल्का सा सेक लेंगे गैस पे, एकदम थोड़ा सा सेक के गैस पे गैस को कम कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे मेरे पास रखा हुआ था वाइट सॉस, जो कल मैंने पास्ता बनाया था उसका बचा हुआ वाइट सॉस रखा हुआ था, ये भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड ऑन कर देते हैं। ये गया इसमें, 2 चम्मच डाला है मैक्सिमम मैंने इसमें, और 2 मिनट के लिए गैस चला के मैंने इसको बंद कर दिया। लास्ट में थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाला। फिर मैंने लिया है यहाँ पे ब्राउन ब्रेड, ये सैंडविच ब्राउन ब्रेड से बना रही हूँ मैं। मैंने यहाँ पे 2 ब्रेड लिए, इसमें डालूँगी मैं फिलिंग। पीछे से मेरा बेटा आवाज़ दे रहा है, सैंडविच बनने में कितना टाइम लगेगा मम्मा, अभी उसको कौन समझाए कि यहाँ पे ब्लॉगिंग भी चल रहा है साथ में। ही इज आस्किंग व्हाट काइंड ऑफ सैंडविच आई एम मेकिंग। अभी लेंगे हम बैटर, बैटर में हम इसको डिप करेंगे, एकदम थोड़ा थोड़ा डिप करना है दोनों साइड से ब्रेड को। ये मैंने कर लिया एकदम हल्का हल्का डिप, और इसको तुरंत निकाल लेना है, इसमें छोड़ना नहीं है ब्रेड, अदरवाइज वो सॉगी हो जाएगा। पैन यहाँ पे ऑलरेडी गर्म है और मैंने अपना सैंडविच रख दिया है पैन पे, एकदम थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाला है और गैस कम करके हम इसको सिकने देते हैं, देखते हैं कैसा सिका है। हल्का हल्का ब्राउन हुआ है अभी, इसको अभी हम और थोड़ा सेक देंगे, मेक श्योर ही धीमी आँच पे ही सिके, अदरवाइज इसमें दही है मैरिनेशन है तो आपका सैंडविच जल सकता है।
सैंडविच अभी अच्छे से सिक गया है। ये देखिए अभी मैं इसको बीच में से कट कर लेती हूँ एंड लेट स्टार्ट प्लेटिंग। एंड योर हेल्दी टोस्ट और सैंडविच इज़ रेडी टू ईट।